आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों को रेलवे NTPC का सेट प्रैक्टिस 13 करवाने वाला हूं, जो कि रुक्मिणी प्रकाशन द प्लेटफॉर्म का सेट प्रैक्टिस है। और रेलवे के लिए द प्लेटफॉर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। इनका सेट प्रैक्टिस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इनका जो सेट प्रैक्टिस रहता है एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। और दोस्तों, ये जो सेट प्रैक्टिस है 12/3/2021 का शिफ्ट सेकेंड का है, तो इस तरह ये जो है कि प्रीवियस ईयर प्रश्न भी हुआ। तो चलिए बिना कुछ देर किए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सामान्य विज्ञान से पहला प्रश्न है कि इसरो के ह्यूमन स्पेस से फ्लाइट सेंटर के संस्थापक निदेशक कौन हैं? इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के संस्थापक निदेशक कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, किस वर्ष में इसरो ने विशिष्ट रूप से शैक्षणिक क्षेत्र के लिए समर्पित उपग्रह एजुसेट G-SAT-3 का प्रक्षेपण किया था? किस वर्ष में इसरो ने विशिष्ट रूप से शैक्षणिक क्षेत्र के लिए समर्पित उपग्रह एजुसेट का प्रक्षेपण किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2004 में। 2004 में ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निपाह वायरस के प्राकृतिक आश्रयदाता कौन है? निपाह वायरस के प्राकृतिक आश्रयदाता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रूट बैट हैं। फ्रूट बैट हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस शामिल हैं? निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस शामिल हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, प्लॉटर प्रिंटर और मॉनिटर। प्लॉटर प्रिंटर और मॉनिटर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह बुझ जाएगी। यह बुझ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटेल। ऑप्शन नंबर बी इंटेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्प्रिंट लैंप में मैग्नीशियम के फीते के जलने के परिणाम स्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद बनेगा? स्प्रिट लैंप में मैग्नीशियम के फीते के जलने के परिणाम स्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद बनेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि आंत्र रस भोजन में मौजूद प्रोटीन को किन अणुओं में परिवर्तित करते हैं? आंत्र रस भोजन में मौजूद प्रोटीन को किन अणुओं में परिवर्तित करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर बी अमीनो अम्ल में जो है कि परिवर्तित करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होगा? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है सामान्य अध्ययन से कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता में थे। ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता में थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु के लिए प्रदत्त बीमा कवर की राशि कितनी है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु के लिए प्रदत्त बीमा कवर की राशि कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 लाख। ऑप्शन नंबर सी 2 लाख रुपया है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार कौन ग्रहण करेगा? भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार कौन ग्रहण करेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के पदन अध्यक्ष। राज्यसभा के पदन अध्यक्ष जो है कि प्रभार को ग्रहण करेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य की। बिहार राज्य की। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। इनमें से कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंटिनली। सेंटिनली ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्सटेक संगठन का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्सटेक संगठन का सदस्य नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीप। ऑप्शन नंबर डी, मालदीप। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत में इनमें से किस सार्क सेंटर की स्थापना की गई है। भारत में इनमें से किस सार्क सेंटर की स्थापना की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट। सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरो नृत्य किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है। बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरो नृत्य किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी मिजोरम इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के महान नर्तक हैं। पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के महान नर्तक हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथक। ऑप्शन नंबर डी कथक के हैं। आगे प्रश्न है कि काकोरी कांड की घटना किस वर्ष में हुई थी। काकोरी कांड की घटना किस वर्ष में हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1925 में। ऑप्शन नंबर डी 1925 में हुई थी। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय विमान पतन प्राधिकरण। भारतीय विमान पतन प्राधिकरण जो है वो नवरत्न कंपनी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक जो है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डम्पा टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर ए, डम्पा टाइगर रिजर्व जो है वो असम में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार। ऑप्शन नंबर ए चार है। आगे प्रश्न है कि मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य से। ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य से। आगे प्रश्न है कि 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था। 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 मई को। ऑप्शन नंबर डी 10 मई को शुरू हुआ था। आगे प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। ऑप्शन नंबर डी 5 राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका का गृह राज्य कौन सा है। भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका का गृह राज्य कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। ऑप्शन नंबर डी असम के थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन गणतंत्र भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न का प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है। इनमें से कौन गणतंत्र भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न का प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम विश्वरैया। एम विश्वरैया जो है कि प्रथम जो है कि गणतंत्र भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
प्राप्त करता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी श्री राजगोपालाचारी, सी वी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीनों के एक साथ जो है कि गणतंत्र भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था, लेकिन एम विश्वेश्वरैया को जो है कि नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खान मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा खान मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तांबा। ऑप्शन नंबर बी तांबा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेघालय। ऑप्शन नंबर डी मेघालय की जो सीमा है वो मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है। आगे प्रश्न है कि भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह की संकल्पना एवं डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह की संकल्पना एवं डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर उदय कुमार। डॉक्टर उदय कुमार ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा के युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1539 में। 1539 में लड़ा गया था। आगे प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष सतत विकास लक्ष्यों को परिभाषित किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष सतत विकास लक्ष्यों को परिभाषित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2015 में। 2015 में। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व आईएनए नेता पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था? निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व आईएनए नेता पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मोहन सिंह पर। मोहन सिंह पर। आगे प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। और 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।